नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं समसामयिक घटनाचक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक सिंह आज फिर से एक बार आप सबके बीच में हाजिर हूँ। एवरेज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें बच गई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने 16 प्रश्न कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आइए जरा हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत करी है, इसके पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ता है यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 65 केजी है को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करता है तो नए व्यक्ति का औसत वजन बताइए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, टोटल जो व्यक्ति थे कितने थे? 8 व्यक्ति थे। टोटल व्यक्ति थे 8 और सब में 1.5 केजी वृद्धि हो जाता है। अरे, एवरेज सभी पे बढ़ने का मतलब सब पे 1.5 किलो बढ़ा होगा, तो 8 व्यक्तियों पे कितना बढ़ गया होगा? तो भैया 8 × 1.5 मतलब कितना? 12 केजी बढ़ गया होगा। अरे, एक व्यक्ति पे 1.5 केजी, दो व्यक्ति पे भी 1.5 केजी, फिर तीसरे पे भी 1.5 केजी, चौथे पे भी 1.5 केजी, तो इस बिहेव पे अगर हम आपसे बात करें तो कुल कितना? 12 केजी। कुल कितना? 12 केजी बढ़ गया होगा। आ रही ना बात समझ में? कुल 12 केजी आपका बढ़ गया होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था ये क्यों बढ़ा, क्योंकि एक वजन व्यक्ति आया है और 65 किलो वाले को हटा के वो आया है, तो 12 किलो कब बढ़ा होगा? जब 65 किलो वाले व्यक्ति को हटाया गया होगा और इससे 12 किलो ज़्यादा वाला व्यक्ति इसमें आया होगा, तो हम 12 जोड़ देंगे तो 5 × 2 = 7, 6 × 1 = 7, तो जो नया व्यक्ति का वजन है वो कितने केजी का है? 77 किलो का। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ता है। अरे, औसत वजन बढ़ रहा है मतलब प्रत्येक व्यक्ति 1.5 किलो बढ़ जा रहा है, तो 8 व्यक्ति हैं तो 8 × 1.5 मतलब 12 किलो बढ़ गया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक 65 किलो वाले व्यक्ति को हटाया गया और इसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को लाया गया, अब 12 किलो सब पे बढ़ा है, इसका मतलब 65 में कितना ज़्यादा वाला व्यक्ति और आ गया है? उससे 12 किलो ज़्यादा वाला व्यक्ति आ गया है, क्योंकि 12 एवरेज बढ़ा था कुल मिला के, तो 65 और 12 जोड़ दिया 77 केजी। यही आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं, दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 24 लड़के हैं, किसी कक्षा में 24 लड़के हैं जिनका औसत आयु 3 महीने कम है, जिनका औसत आयु 3 महीने कम हो जाता है जबकि 20 वर्ष का एक लड़का नए लड़के द्वारा प्रतिस्थापित करता है। अब जरा हमको ये बताएं कि कुल 24 लड़के थे, 20 वाले को हटा के इसके जगह पे एक दूसरा लड़का रखा जाता है तो 3 महीने औसत कम हो जाता है। अच्छा, महीने कम हो रहे हैं तो 24 लड़कों पर, अरे 3 महीने एक पे कम तो 24 से कितना? 24 × 72, 72 मंथ, 72 महीने औसत कम हो गया। तो मैं बोलूँ ईयर में बदलना चाहूँ तो इसको 12 से भाग दूँ तो 6 ईयर मतलब 6 साल, महीने में 72 लेकिन साल में बदल दिया तो 6। एक 20 साल के लड़के को निकाल के उसको लाया गया है तो इस बार कम हुआ है, कम हुआ है मतलब इससे छोटा लड़का लाया गया है। कितना छोटा? 6 साल कम, 14। तो 20 साल वाले लड़के को हटाया गया है और 14 साल के लड़के को ला दिया गया, जिससे 3-3 महीने एवरेज पे कमी हो गई है, तो जो नया लड़के का वजन है वो 14 किलो है, सॉरी 14 वर्ष है। इसमें भी किलो लिख दिया था क्या? इसमें भी, अच्छा इसमें तो वजन वाली बात ही करी गई थी, ठीक है 14 साल हो गई। आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक और भी प्यारे क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं कि किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है, किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 17 है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 19 है,
यहाँ पे एक लाइन दो बार लिख दी गई है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है। किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है, ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे प्रश्न में, ये नहीं रहेगा। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 19 तथा अनुत्तीर्ण का 8 है तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक क्या है, जरा हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि इसका बेसिक अप्रोच क्या है, इसको बेसिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं। भैया एक परीक्षा में 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है, अब हम मान लेते हैं, ऐसा ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं कि पास एक्स स्टूडेंट हुए हैं, भैया टोटल स्टूडेंट 17। अब मैं बताऊंगा कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। अभी फिलहाल देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए पास एक्स विद्यार्थी हुए हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है यही पूछा है, तो फिर फेल कितने, तो भैया 77 माइनस एक्स, 77 माइनस एक्स, अरे पास अगर हम मान लेते हैं जो पूछा गया उसको हम एक्स माने, तो फेल कितने, टोटल विद्यार्थी 77 थे तो 77 माइनस एक्स, आ रही ना बात समझ। तो आप जरा एक बात हमको बताइए, अगर एक्स विद्यार्थी पास हैं तो कुल औसत इनका 77 था, ये तो 77 था 17 विद्यार्थियों का, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, 19 विद्यार्थी उत्तीर्ण थे, अरे 19 विद्यार्थी अगर उत्तीर्ण थे, इनका औसत 19 था और इसमें से एक्स पास है तो 19 एक्स प्लस, अगर हम आपसे बात करें अनुत्तीर्ण वालों का, फेल वालों का, तो 77 माइनस एक्स और ये हैं कितने, ये टोटल हैं 8, ये बराबर कुल विद्यार्थी 77 इंटू कितना 17, क्योंकि 17 अंक लाते हैं, आ रही ना बात समझ में। तो हम ये ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये पुराने मेथड को सॉल्व करें तो आंसर मेरा आ जाएगा। अरे नहीं कर पा रहे तो मैं कर दे रहा हूँ, 19 एक्स प्लस देखिए 77 गुणे 8 माइनस 8 एक्स बराबर 17 गुणे 77, अरे यही चीज़ है, इधर का उधर लिख दिया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा था कि 8 एक्स अगर इसमें से घटा दिया जाए तो बचेगा 11 एक्स बराबर 17 गुणे 77, इसको हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस 77 गुणे 8, तो 11 एक्स बराबर, अगर मैं यहाँ से 77 कॉमन ले लूँ तो 17 माइनस 8, कहने का मतलब कितना हो जाएगा भैया 9, तो देखो 11 एक्स बराबर 77 गुणे 9, ठीक है, 11 से कितनी बार 7 बार, तो x बराबर 9 7 63। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 63 है, ये बात हमने ट्रेडिशनल मेथड से बताई है आपको, पुराने धरने पे बताई है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं और आज के पहले लगाते भी थे। लेकिन इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि आप एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, तो बात कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, ये बात कुछ खास नहीं है और इस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस भी नहीं करना होता, बस जानकारी के तौर पे हम लोग को इसको रखना होता है ना। अब हम बात करेंगे कि इसको हम एग्ज़ाम में कैसे करें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक 17, मान लीजिए कुछ पास हैं कुछ फेल हैं, ओवरऑल जो औसत है कुल विद्यार्थियों का वो 17 है, ओवरऑल 17 है, पास वाले कितने हैं 19 हैं, ये रहा, फेल वाले कितने हैं 8 हैं। अगर मैं इसको एलिगेट कर दूं, मतलब एलिगेशन लगा दूं, अरे एलिगेशन चैप्टर है, तो हमको इन दोनों का अंतर देखना है, 17 और 19 का अंतर कितना 2, अरे 8 और 17 का अंतर कितना
नौ। कहने का मतलब अगर पास नौ विद्यार्थी हुए होंगे तो फेल दो विद्यार्थी हुए होंगे, पास अगर नौ विद्यार्थी तो फेल दो विद्यार्थी, क्योंकि फेल के नीचे फेल का रेशियो, पास के नीचे पास का रेशियो। तो कुल मिला के कितने, तो हमारे हिसाब से कुल विद्यार्थी 11 हैं, लेकिन क्वेश्चन में 11 नहीं है, क्वेश्चन में 77 है। तो कितने गुना, 7 गुना। तो इस बिहेव पे पास कितने विद्यार्थी थे भैया, तो 9 गुणे 7, अरे एक यूनिट का मान 7, अरे 11। देखो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 11 की वैल्यू 77, तो एक की वैल्यू कितनी 77/11, तो कितना आएगा 7। अरे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 11 7 77, तो एक का मान कितना 7, तो 9 का मान कितना 9 7 63। और आपसे यही बात पूछा था कुल कितने विद्यार्थी पास हो गए, बेसिक भी बता दिया हूँ, पूछता कितने फेल हो गए, तो 2 × 7 7 × 2 = 14। अब तुम जोड़ भाई दो, 63 और 14 आ जाएगा 77, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही ना बात समझ में, बोलो आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन दौड़कर अर्जित करता है, ये बैट बॉल पे आधारित प्रश्न है ना, तो बैट बॉल पे आधारित प्रश्न है, तो जरा हम इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दीबाजी हम लोग नहीं करेंगे। बोला है कि एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन दौड़कर अर्जित करता है, इस प्रकार इसकी औसत में 4 की औसत में 4 की वृद्धि होती है, तो 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा। आइए ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करते हैं, बेसिक अप्रोच क्या होगा इसको सॉल्व करने का, फिर मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम में इसको कैसे फोड़ के आओगे, ठीक है। चाहे बल्लेबाज का औसत हो, चाहे गेंदबाज का औसत हो, चाहे जिसका भी औसत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बस आप लोग इस बात को ध्यान से समझना। पहले मान लीजिए कि एक बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन बनाता है, इसका मतलब यहां पे हमने लिखा 16वें पारी में 92 रन बनाता है, लेट हम मान लेते हैं कि एवरेज पूरा एक्स रहा होगा। भाई 16वें पारी में 92 बनाता है, इसका मतलब इसके पहले वो 15 पारी खेल चुका है। कोई बल्लेबाज 16वें पारी में 92 रन बनाता है तो उसका औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 16वें पारी के पहले वो 15 पारी खेल चुका है, और 15 पारी जब खेल चुका था तो औसत कितना था ये बात हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि पहले औसत कितना था एक्स था, तो 15 पारी में कितना हो जाएगा 15x प्लस 16वें का 92, टोटल कितनी पारी हो गई 16, भाई जितनी पारी है उससे भाग भी देना पड़ेगा, और हमने एवरेज एक्स माना था, लेकिन अब एवरेज 16वें पारी की वजह से 4 की वृद्धि हो जाएगी, तो x प्लस 4 हो जाएगा। और इन बात समझ में, सारी बातें हमने बोर्ड पर लिख रखी है। अब मैं इसको जरा सॉल्व करूं तो क्या होगा, 15x प्लस 92 बराबर, देखो 16x, अरे ये उधर जाएगा, प्लस 16 × 64, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो x हो जाएगा, अरे इधर जाएगा घट जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 28। कैसे, अरे भाई 15x उधर गया तो घट गया, बचा कितना 16 में से 15 एक मतलब x, 64 इधर घटा दो तो 12 में से 4 गया 8, और इस प्रकार से 28। तो जो हमने x माने थे, जो हमने x मान रखा था पहले 15 पारी तक औसत x है, उसका मान कितना, उसका मान 28 है, लेकिन बोला है 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या है। अरे भैया 16वें पारी के बाद बल्लेबाज का औसत ये है, मतलब x का मान 28, तो 28 प्लस 4 32, क्या है इसका औसत है। तो ये हमने बेसिक अप्रोच के बारे में बात करी है, आपको ये जानना जरूरी होता है, इसको आप भाग नहीं सकते, इससे जानने से कॉन्फिडेंस आता है मैथ में, है ना, बेसिक अप्रोच को। आप जिस भी क्वेश्चन का कहेंगे हम बेसिक बताएंगे ना, आप भाग सकते हो सीखने से ना, मैं भाग सकता हूँ पढ़ाने से, जब दोनों इस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक बेहतर होती चली जाएंगी। अरे ना बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले इसको एक और मेथड से बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको आप कैसे सोच सकते हैं कैसे सोच सकते हैं, बस ये बताना, मैं पूरी बात को मिटाता हूँ, पूरी बात को मिटाता हूँ।
अब मैं इसको वे टू के फॉर्म में लेकर चलता हूं। दूसरे विधि के बारे में बात करता हूं जिसको आप सोच सकते हैं कैसे। जब हम सोचने की बात करते हैं, जब हम विचार करने की बात करते हैं आपसे, तो देखिए 15 इनिंग था, एक बार इन्होंने क्या किया 16वीं इनिंग भी खेली। 16वीं इनिंग में इन्होंने 92 रन ठोके। जैसे ही 16वीं पारी में इस व्यक्ति ने, इस क्रिकेटर ने 92 रन बनाए, पूरा का पूरा जो एवरेज था उसमें 4 की वृद्धि हो जाती है। अरे पूरा का पूरा एवरेज में 4 की वृद्धि का मतलब समझ रहे हो? पहली पारी में भी 4 बढ़ गए, पहली पारी में भी 4 बढ़ गए, दूसरी पारी में भी 4 बढ़ गए, तीसरी पारी में भी 4 बढ़ गए, पांचवी पारी में, छठी पारी में, अर्थात 15 पारी में 4 बढ़ गए। अरे तो एक पारी में अगर 4 बढ़े तो 15 पारी में कितना बढ़ गए? 15 × 4 मतलब 60। अरे ये बात समझ में, तो कितना बढ़ गए टोटल? 60। अरे 92 में से 60 को घटा दो, आंसर 92 में से 60 को घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। हम नहीं करेंगे डिटेल में, हम सीख लेंगे लेकिन करेंगे नहीं, हम करेंगे इस तरीके से और आसान तरीके से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी ना करते हुए भी जल्दी आंसर आएगा आपका। आ रही ना बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी बात करेंगे। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में शतक से 2 दौड़ लगाने से चूक जाता है। देखो कितना बढ़िया घुमाया गया प्रश्न है। अरे एक बल्लेबाज 19वीं पारी में शतक लगाने से 2 दौड़ लगाने से चूक जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, शतक का मतलब होता है 100 रन। अब 2 दौड़ लगाने से मतलब 2 रन बनाने से चूक जाता है, मतलब बनाया कितना? 98। तो मैं ये बोल रहा था कि जब ये 19वीं पारी था उसमें ये 98 रन बनाया, और इसके पहले इसने 18 इनिंग खेल चुका होगा। 18 इनिंग जब खेला होगा तो देखिए इसके 98 रन बनाने से औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 3 की वृद्धि का मतलब सब पे 1 की वृद्धि, तो 18 पारी में 3 की वृद्धि मतलब 54 की वृद्धि, और ये 54 इधर ले जाकर घटा दीजिए, 8 में से 4 को हटाया 4, 9 में से 5 को हटाया 4, यही आपका क्या है? आंसर है। तो 44 ये हो जाएगा औसत 19वीं पारी के बाद, उसका औसत क्या है? तो 44 है। आ रही ना बात समझ में? तो बल्लेबाज के क्वेश्चन हो हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, इसमें बड़ा डाउट रहता है, बच्चों को संदेह रहता है कैसे किया जाए। सर हमने आपको बताया कि इस अप्रोच से भी आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। हम इसमें गेंदबाजी औसत के बारे में भी बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बॉलर का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, एक बॉलर का जो औसत है वो 12.4 रन प्रति विकेट है। अब ध्यान से समझिएगा, आज के मैच में उसने 26 रन देकर, आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, उससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया, उससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट कम हो गया। तो आज के मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए भैया। एक बॉलर का औसत 12.4 है टुडे, अब बिफोर एक मान लीजिए हमेशा 12.4 था, आज के मैच में, अच्छा आज के मैच में उसका औसत कितना रहा? आज के मैच के बाद उसका औसत 0.4 घट गया, इसका मतलब 12 हो गया। अरे टोटल 12.4 चल रहा था, आज के मैच में घट गया, इसका मतलब 12 हो गया। ठीक है, आज का औसत कितना है भैया? 26 रन देकर वो 5 विकेट लेता है, 26 रन दे के 5 विकेट। तो देखिए 5 से कितनी बार, 5×5=25, 5×2=10 मतलब 5.2। आज का जो उसका औसत है वो 5.2 है, पहले 12.4 हुआ करता था। ऐसा करने से ओवरऑल एवरेज में
0.4 की कमी होती है तो ये 12 हो गया, क्योंकि पहले 12 में 4 थी, अब कमी हो गई तो 4 हो गई। एलिगेशन लगा देंगे मतलब इल्ज़ाम लगा देंगे, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 6 18 6.8 और यहाँ पे 0.4। देखिए यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, हम पॉइंट से पॉइंट कट भी सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये 17:12 में कटेगा, तो 17:1 का जो अनुपात रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से वो आज के मैच में 1 विकेट लिया है, इसके पहले वो 17 विकेट ले चुका है। और उसने बोला कि आज के मैच में 1 विकेट नहीं 5 विकेट, तो 1 की वैल्यू अगर 5 तो 17 की वैल्यू कितनी, 17 × 5 = 85। तो बोला है कि आज तक उसने कुल कितना विकेट लिया, अरे पहले 85 विकेट, आज 5 विकेट, तो 85 + 5 आज तक उसने कुल 90 विकेट लिया है। आज तक उसने कुल कितने विकेट लिया है, 90 विकेट लिया है। तो चाहे बल्लेबाज का क्वेश्चन हो, चाहे गेंदबाज का क्वेश्चन हो, अच्छा बल्लेबाजी औसत के बारे में पता है, बल्लेबाजी औसत में क्या होता है कि आप कितने रन बनाए हैं, कितनी पारी में बनाए हैं, ठीक है। गेंदबाजी औसत में क्या होता है कि आप कितने रन बनाए हैं, सॉरी कितने विकेट लिए हैं और कितने रन दे के लिए हैं, ये अंतर होता है। तो गेंदबाजी पे भी क्वेश्चन खत्म, बल्लेबाजी पे भी खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 130 प्रतिमाह है, एक कार्यालय में 130 रुपये एवरेज पैसा है सबके लिए। अधिकारियों का वेतन, जो ऑफिसर्स हैं उनका वेतन 540 रुपये है, जो नॉन ऑफिसर्स हैं मतलब जो गैर अधिकारी हैं, ये गैर अधिकारी यहाँ पे गैर यहाँ पे लिखा है अधिकारी, उनका कितना है, 114 है। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो औसत निकाले। अच्छा कुल औसत कितना है बच्चा पार्टी, 130 है, तो हम यहाँ पे 130 लिखेंगे। ओवरऑल औसत 130 था, ऑफिसर का 540 था, इनका इतना था, तो 140 130 में अंतर कितने का, 16 का। 0 से 0 0, 4 से 3 घटाया तो 1 आ गया, 5 में से 1 4, तो ऑफिसर्स की संख्या हमारे हिसाब से 16 है। और क्वेश्चन में भी भाग्य से 16 ही दिया गया था, हो सकता था 32 देता 64 देता तो हम इसको बराबर कर रहे थे। हमारे हिसाब से ऑफिसर की संख्या 16 है तो गैर अधिकारियों की संख्या ऑटोमेटिक, अरे 16 का मान 16 तो 140 का मान 140 तो 410, 410 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, बड़ा आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है कि एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थियों यदि विद्यार्थियों की संख्या में होगा, यहाँ पे की लगा लीजिए, सेंटेंस नहीं अरेंजमेंट हो पा रहा है ना। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती है तो सब हो जाता, तो मेस के खर्च में 32.5 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी होती है तो औसत खर्च में 1.5 रुपये प्रति व्यक्ति की कमी होती है, तो सहभोज अर्थात मेस का प्रारंभिक खर्च बताइए। अब मेरी बात को अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुने, एक छात्रावास में जैसे क्या होता है कि 42 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी तो खर्च 32.5 रुपये प्रतिदिन, मतलब अब 32.5 रुपये प्रतिदिन का खर्च होने लगा, लेकिन औसतन खर्च में 1.5 रुपये की प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। मेरी बात समझो, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक रूम में रहते हैं, अब एक रूम में जब आप लोग रहते हैं, आप अकेले मान लीजिए कहीं पर रूम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और उस रूम का रेंट आप 2500 रुपये दे रहे हैं, मान लिया कि 2500 रुपये आप सिंगल रूम का दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका एक कोई पार्टनर आ गया, जब आपका पार्टनर आया तो अभी तक आप अकेले 2500 रुपये दे रहे थे, अब पार्टनर आया तो किराएदार जो ऑनर था उसने बोला कि अब दो लोग रहोगे तो हम आपसे 3000 रुपये लेंगे, तो
तो अब 2500 का किराया कितना हो गया, 3000 हो गया। लेकिन जब वो व्यक्ति आ जाएगा, एक पार्टनर आपका आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, 3000 तो आप दे रहे हो लेकिन आपका खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि आधा पैसा वो देगा। अब 1500 वो देगा, 1500 आप देंगे, तो जो आप पहले 2500 रुपये दे रहे थे अब आपको सिर्फ कितना देना पड़ रहा है, 1500। तो रूम का रेंट तो बढ़ा लेकिन आपका खर्च क्या हो गया, घट गया। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन होता है मिस वाला, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए कि हम मान लेते हैं कि 42 विद्यार्थी हैं जिनका औसत मान लीजिए एक्स था, पहले औसत प्रारंभिक खर्च मान लीजिए एक्स था, तो टोटल 42 एक्स हम मान लेते हैं। मैं हल कर रहा हूँ इस प्रश्न को बेसिक से, अब मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 42 एक्स प्लस टोटल खर्चा कितना था, 32.5 बराबर टोटल हमने माना है कितना, एक्स में से अब खर्च कितना घट गया है, 1.5, लेकिन अब 7 लोगों की वृद्धि हो गई है, तो जब 7 की वृद्धि हो जाएगी तो 42 छः कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अरे ना बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई मान लिया एवरेज कितना था एक्स, तो सम कितना, 42x, 42 विद्यार्थी हैं, एवरेज खर्च मान लीजिए एक्स था, तो टोटल सम कितना, 42x, खर्च कितना बढ़ रहा था प्रतिदिन, कितना हो रहा था, 32.5, और बराबर अब टोटल जो एवरेज एक्स माना था उसमें 1.5 की कमी होती है एवरेज में, लेकिन विद्यार्थी 7 बढ़ जाते हैं मतलब 49 हो जाते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो 42x प्लस 32.5 बराबर 49x माइनस, देखिए 49 में 1.5 का हम लोग गुणा कर रहे होंगे, तो 49 तो आएगा ही, प्लस इसका आधा मतलब 24.5, ठीक है, तो 50 मतलब 73.5 यही आएगा, ठीक है यही आएगा। अब देखिए इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 42 में से 7x, ठीक है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 106, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 106/7, x बराबर मतलब जो हमने एवरेज माना था 106/7 है। आपसे पूछा है कि प्रारंभिक खर्चा की बात का, तो सहभोज में प्रारंभिक खर्च आपसे पूछा गया है, प्रारंभिक खर्च, तो प्रारंभिक खर्च कितना था, 42 विद्यार्थी थे, तो x का मान अगर इतना है, एवरेज अगर इतना है, तो 42 का कितना हो जाएगा, तो 42 से हम लोग गुणा कर देंगे, 7×6=42, तो 6 का गुणा 106 में करिए, 6×36 का 6 636, ठीक है, तो सहभोज का प्रारंभिक जो खर्च है वो 636 रुपये है। तो ये हमने बेसिक अप्रोच के बारे में आपसे बात करी है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, यह जल्दी नहीं समझ में आएगा आपको, जिनका बेसिक तैयार है उनको बहुत जल्दी समझ में आता है, नहीं तो बेसिक दिक्कत करता है। अच्छा अब मैं आपसे ये जानना चाहता था, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ये जो सब का सब उलट फेर हो रहा था ये किस कारण से हो रहा था, अगर हमको ये बात समझ में आ जाए तो बात बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी, मैं इस पूरे मेथड को मिटा रहा हूँ, पूरी बात को मिटा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि बेसिक आप समझ गए होंगे, और अब की बार हम आपको तरीके पे लेकर जाते हैं कि एग्जाम में कैसे करना है। एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 7 की बढ़ोतरी होती, अच्छा ये 32.5 रुपये खर्च, उसके बाद 1.5 रुपये की कमी, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये टोटल ये 7 विद्यार्थियों की बढ़ने की वजह से हो रहा है। अगर ये ना ये तो 7 विद्यार्थी आए होते, न ये 32.5 प्रतिदिन खर्च बढ़ता, और न ये 1.5 रुपये का मेस में खर्च आता। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल करोगे, क्योंकि जो ये कंडीशन सब इधर की उधर हुई है सिर्फ और सिर्फ 7 विद्यार्थियों के बढ़ जाने की वजह से हुई है। अब हम ये बोल रहे हैं कि 7 विद्यार्थी बढ़ने से क्या क्या हुआ है, सबसे पहले कि 32.5 रुपये की वृद्धि हुई है, दूसरी बात 1.5 रुपये प्रति व्यक्ति कमी होती है, तो 1.5 रुपये प्रति व्यक्ति कमी होती है, लेकिन ये 1.5 रुपये प्रति व्यक्ति कब कमी होती है, जब 7 विद्यार्थी और बढ़ जाते हैं, तो कुल विद्यार्थी 49 में 1.5 का गुणा अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
73.5, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 73.5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 106, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 106/7। तो हमको अब प्रारंभिक बताइए, प्रारंभिक प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 42 था, तो हम 42 से गुणा कर देंगे, 7×6=42, इसका गुणा करेंगे तो 6×36=6, 06। आ रही ना बात समझ में? नहीं, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 636, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो, आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से, इस अप्रोच से हमको सॉल्व करना पड़ेगा मेस वाले क्वेश्चन को। जैसे मैं ये क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ आपसे, मेस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग इस पे करेंगे कि एक छात्रावास में 36 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 4 की बढ़ोतरी होती है, मतलब जो खेल होगा इसमें, जो भी उलटफेर होगा इस 4 की वजह से होगा। अरे 32 रुपये बढ़ता है, यहाँ पे लिख दो 32, सीधा सीधा लिख दो 32। कुल विद्यार्थी कितने थे 36, 4 बढ़ गए, कुल कितने हो गए 40। अब 40 पे एक एक की वृद्धि, तो कुल कितने की वृद्धि 40 की, तो प्लस यहाँ पे 40 कर दो, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 72। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/4, आ रही ना बात समझ में? तो सहभोज की प्रारंभिक खर्चा, प्रारंभ में कितने थे 36। इस प्रकार से हमको करना पड़ता है, 4 से कितनी बार 9 बार, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9×2=18, 9×7=63, 164, 648 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ये मिस वाले क्वेश्चन अभी तक आप बहुत खतरनाक तरीके से किताबों में या कहीं पे YouTube वगैरह से पढ़ते थे, अब आपको देखिए मिस वाले क्वेश्चन कितना आसान अप्रोच से हो सकते हैं, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि मामला खतरनाक होता जा रहा है, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, सुरेश का, हाँ एक नया पैटर्न पे, चेंज पे है, थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन चेंज पे जा रहा है, अगला वैरायटी है, अगला टाइप है कि सुरेश का अंग्रेजी और इतिहास में औसत अंक 55 है, सुरेश का इंग्लिश प्लस हिस्ट्री में औसत अंक अगर 55 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अरे दो विषय है, औसत 15, तो दोनों का मिला के 110, ठीक है। उसका अंग्रेजी प्लस विज्ञान मतलब साइंस में औसत अंक 65 है, 65 का सम अगर निकाले तो 65×2=130, 2 है, 2 से गुणा हो रहा है, तो इतिहास और विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर कितना है। देखिए हम इक्वेशन बना के काट देते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश कट गया, हिस्ट्री माइनस साइंस, इतिहास और विज्ञान में अंतर कितने का 20 का, 130 और 10 में अंतर कितने का 20 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, अरे भाई कहाँ से आया 110, 55 का डबल, क्योंकि औसत 55 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 110। अब ये इक्वेशन है, माइनस प्लस है, माइनस कर दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया है, इंग्लिश से इंग्लिश कट गया, हिस्ट्री माइनस साइंस बराबर 130 और 110 में अंतर कितने का 20 का, अंतर ही पूछा आपसे। आगे बढ़े, गणेश के द्वारा अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, विज्ञान, गणित प्लस हिस्ट्री में अर्जित अंकों का औसत, हम मान लेते हैं औसत इसका ए रहा होगा, लेकिन 4 है तो 4A हो जाएगा, ठीक है, औसत ए है लेकिन 4 सब्जेक्ट है तो 4A, औसत अंग्रेजी इतिहास भूगोल और गणित, इंग्लिश इतिहास हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस मैथ से अर्जित औसत अंक से 15 कम है, मतलब औसत ए था इससे 15 कम है, लेकिन इसमें भी कितने सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, तो हम 4 से गुणा भी कर देंगे। तो उसके द्वारा विज्ञान और भूगोल में अर्जित अंकों का अंतर, विज्ञान और भूगोल में अर्जित अंकों का औसत बताइए। देखिए हम साइन चेंज करके हर जगह से माइनस कर रहे होंगे, तो इंग्लिश से इंग्लिश कट जाएगा, मैथ से मैथ कट जाएगा, हिस्ट्री से हिस्ट्री कट जाएगा, साइंस माइनस ज्योग्राफी, विज्ञान और ज्योग्राफी का अंतर भी पूछा था, 4A-4A-15 बराबर यहाँ पे 4A-4A+60,
प्लस 60 प्लस 60। अरे नवा समझ में कैसे, अरे चार है तो चार है रहने दिया, माइनस का इधर गुणा किया तो माइनस चार है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चार का भी गुणा 15 चौक 60, इससे ये कट जाएगा। और साइंस माइनस ज्योग्राफी, विज्ञान और भूगोल में अर्जित अंक का औसत जो अंतर है वो 60 का है। अरे डिग्री नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश साइंस मैथ बहुत आसान तरीके से हमने क्या बोला, औसत एक है, अगर औसत एक है तो सम कितना, क्योंकि चार संख्या तो हम चार से गुणा कर दिए, आ रही ना, तो ए इसलिए आ गया। आगे बढ़ते हैं और भी बात करेंगे। हाँ, ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है, कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा इस बात को। जैसे बोला है कि सोमवार मंडे ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। मतलब तीन दिन का अगर हम सम की बात करें तो तीन से हम गुणा भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखा है कि मंगलवार मतलब ट्यूजडे, वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 41 डिग्री बताया गया, लेकिन इसमें भी तीन दिन है तो हम तीन से गुणा कर देंगे टोटल सम के लिए। आ रही ना बात समझ में? देखिए, हम इक्वेशन है इसको हम घटा देंगे तो कुछ बातें कट पिट जाती हैं। जैसे क्या कट गया भैया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो मंडे माइनस थर्सडे, और ये बराबर देखिए कितने का आंसर आएगा, माइनस तीन आएगा कि नहीं आएगा, माइनस तीन आएगा, गुणा कर दो चार तीन 12 और 41 में गुणा करेगा तो माइनस तीन का। तो देखिए एक बात हमको समझ में आ रहा है, आपसे पूछा कि सोमवार का तापमान क्या था, अब सोमवार यहाँ पे सोमवार माइनस थर्सडे का माइनस तीन डिग्री है, लेकिन बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री बताया, तो ये थर्सडे के जगह पे हम कितना लिख दें, 42 डिग्री बराबर माइनस तीन डिग्री। ठीक है, डिग्री हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो एम बराबर कितना हो जाएगा 39, ये जाएगा प्लस में उधर घट जाएगा, तो मंडे का जो तापमान था वो 39 डिग्री सेल्सियस बताया गया। ठीक है, अरे बताया नहीं गया, इस क्वेश्चन में है और इसका आंसर भी इसको घोषित कर दो। ठीक, चलो भाई, तो तापमान वाले भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि तीन लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, तीन लड़कों का औसत आयु 15 साल है, मतलब तीनों लड़के लगभग लगभग 15 साल के हैं, ये बात होती है औसत का मतलब। उसके आयु का अनुपात जो उनका एज का रेशियो है 3:5:7 है। ठीक है, और इनका औसत जो है कितना है भैया, 15 है, तो तीन में कुल कितने साल का है, लगभग 45 साल के ये हो गए हो गए कि नहीं हो गए, तो ये तीन पे 45 ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आसान भाषा में समझा दे रहे हैं, परेशान मत हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इनका रेशियो है, इनका ये अनुपात है, मतलब पहला अगर 3 साल का है तो दूसरा 5 साल का है तो तीसरा 7 साल का है, तो 7, 5, 12, 3, 15 कुल ये कितना हुए, कुल मिला के ये 15 साल, और औसत भी 15 साल का दिया गया है, तो तीन पे ये कितने साल के हो जाएंगे, तीन है तो कुल मिला के ये 45 साल के हो गए, तो एक का मान कितना हो गया, तीन हो गया। अरे 15 का वैल्यू 45, तो एक का मान कितना, तीन। देखो 15 का मान अगर 45 तो एक का मान कितना, तीन। तो बोला है सबसे बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का ये 7 वाला, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 7 × 3 = 21 साल, तो सबसे बड़ा वाला जो लड़का है वो 21 साल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आज का आखिरी सवाल होगा संभवतः, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ, कि किसी नगर की जनसंख्या पहले 20 वर्ष, दूसरे वर्ष 25 वर्ष और तीसरे वर्ष 44% बढ़ती है, मतलब पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25% और तीसरे वर्ष 44% बढ़ती है, तो तीन वर्ष में औसतन वृद्धि आपको बतानी है। बच्चा पार्टी, हमने परसेंटेज पढ़ाया है बाकायदा, और आपको पता है कि 20% का मतलब कितना होता है, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है, 20% का मतलब कितना, 1/5। मैं अगर आपसे बात करूं कि 25% का मतलब कितना होता है, तो 1/4। मैं आपसे बात करूं कि सर 44% बोला है यहाँ पे, 40 होना चाहिए था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 44% का मतलब कितना, आप कह दोगे सर 44/100। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 22/50, 11/
25 भी तो बोल सकते हैं, तो 11/25 घोषित कर देते हैं। तो पहले साल ये देखिए जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, तो पहले साल 20% बढ़ी है, मतलब पहले साल संख्या 5 रही होगी तो 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज रिजल्ट ऊपर वाला डिनोट करता है, पहले 5 तो अब 6, दूसरे साल 4 से कितना 1 बढ़ जाएगी 5, तीसरे साल 25, लेकिन 11 बढ़ गई तो 25 10 35 1 36 हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सर 5 से 5 डायरेक्ट कट रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, है ना। और क्या कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 25 दूना 50, मतलब जो पहले पॉपुलेशन 50 थी, अब 36 का गुणा 3 में करेंगे, देखो 6 3 18 का हम 8 लिख लेंगे, 3 3 9 1 10, मतलब पहले पॉपुलेशन अगर 50 थी तो अब हो गई 108, कितनी बढ़ गई भाई, 58 बढ़ गई। अरे 58 बढ़ी लेकिन किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ी, तो 50 से कितनी बार, 2 बार, बराबर कितना 116%, मतलब कुल पॉपुलेशन जो थी 116% हो गई है, मतलब 116 बढ़ गई है। लेकिन औसतन वृद्धि आपको बताना है, ये मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये 3 साल में वृद्धि हुई है, तो 116 को हम 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा, तो 3 3 का 9 2 11, मतलब 26 बचा, 3 8 24 बचा कितना, 2 पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, लगभग लगभग 38.6% का औसतन वृद्धि हुआ है प्रत्येक साल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक था ये बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझे होंगे। ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है, एवरेज टॉपिक जो था ये लगभग 3 क्लास में हम लोग कम्प्लीट करने की कोशिश करी है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हों, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या अन्य कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो ये एवरेज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।